हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का हमारा लास्ट लेसन जो है नीति आयोग, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमारे नीति आयोग से पहले भारत के अंदर क्या था, योजना आयोग होता था। क्या होता था? योजना आयोग होता था। तो नीति आयोग, देखिए NITI, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही है कि नीति की फुल फॉर्म क्या होगी। ये हो जाती है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या रहेगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई। ठीक है, और फिर इसकी स्थापना की बात आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या होती है, नीति आयोग की स्थापना होती है। अब हम बात करेंगे इसका संगठन यानी कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है कि नीति आयोग का है ना, हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होगा ना, वही क्या होता है भाई, एक तो इसके अंदर अध्यक्ष होता है। कौन होता है? हमेशा PM, प्रधानमंत्री जो भी होगा वही क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरी बात, इसका उपाध्यक्ष की बात करते हैं भाई। तो उपाध्यक्ष है ना, किसके द्वारा चुना जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। और यदि हम बात करें वर्तमान में, तो राजीव कुमार क्या है, डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और यदि पूछ लिया जाता है कि पहला उपाध्यक्ष कौन रहा है नीति आयोग का, तो अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया भाई। और वर्तमान में CEO कौन है भाई, CEO? तो ये रहेगा अमिताभ कांत क्या रहेगा भाई, हमारा इसका उपाध्यक्ष, मतलब जो अपना है ना नीति आयोग है उसका CEO रहेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भाई कि गवर्निंग काउंसिल मतलब क्या हुआ कि जितने भी राज्य होते हैं ना, उनके तो मुख्यमंत्री और जितने भी संघ होते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके उपराज्यपाल इसके लिए क्या करेंगे, इसके सदस्य होते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई उद्देश्य एवं कार्य। क्या? उद्देश्य एवं कार्य। तो इसकी किसके भाई, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो नीतियों के, जो भी नीतियां बनाई जाती है ना, उनको क्रियान्वयन करने के लिए भाई, यानी तेज, मतलब जैसे कोई भी नीति बनाई हो उसको तेज गति से क्या किया जाए, शुरू किया जाए भाई, मतलब जल्दी से जल्दी कोई भी। इसके अलावा जो केंद्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राज्यों में समन्वय बनाना भी इसका काम है। केंद्र और राज्य जो होते हैं ना, उनके अंदर किसी चीज़ को लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा है। जैसे केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो उसकी एडजस्टमेंट, कर वगैरह, जैसे उसका बंटवारा, उससे संबंधित काम कौन करवाएगा भैया हमारा। तो इसके अंदर नीति आयोग का ही काम है समन्वय करवाना भाई दो राज्यों के बीच। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग जो है, थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को भी बढ़ावा देना इसका काम होता है, किसका, नीति आयोग का। अब हम कुछ विशेष बात देखते हैं यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नीति आयोग फुल फॉर्म याद होनी चाहिए भाई, क्या हो जाएगी ये, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसकी स्थापना, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन सारे पेपर के अंदर आ चुके हैं, यही से पूछे जाते हैं। वर्तमान में भाई इसका जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, पहला अरविंद पनगड़िया था, और CEO कौन रहेगा, अमिताभ कांत रहेगा भाई। इसके अलावा इसके बाद फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो योजना आयोग और नीति आयोग का अंतर बोल दिया जाता है कि भाई कौन सी विशेषता नीति आयोग के अंदर रहेगी और कौन सी इसके अंदर योजना आयोग के अंदर। ठीक है, तो योजना आयोग है ना, ये रूसी मॉडल था भाई। क्या था? रूस का मॉडल था भाई, रूस के मॉडल पर आधारित था। लेकिन जो नीति आयोग है ये भारतीय विद्वानों का मॉडल है। किसका है? भारतीय विद्वानों का मॉडल रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर केंद्र की भूमिका सबसे अधिक होती है भाई। इसमें क्या था, योजना आयोग में
केंद्र की भूमिका अधिक थी, केंद्रीय भूमिका अधिक थी, लेकिन यहाँ पर सहयोगी होंगे भाई साथ में, मतलब क्या होंगे, संघवाद को भी बढ़ावा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं योजना आयोग में, योजना अनुमोदन कौन करता था भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, और यहाँ पर जो योजना होती है उसका अनुमोदन ये खुद करते हैं, कौन करते हैं भाई, नीति आयोग के सदस्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार की जो भूमिका, जो सरकार जो है, सरकार की मतलब इसके अंदर जैसे ना केंद्र सरकार जो है उसकी मतलब जैसे जो भूमि वगैरह उसका प्रयोग, और यहाँ पर सरकार के साथ निजी क्षेत्रों की भूमि का भी मतलब प्रयोग किया जाता है, इसमें निजी क्षेत्रों की, उसमें केवल केंद्र सरकार की रहेगी भाई। ये योजना आयोग जो था ये केंद्रीकृत था, और योजना मतलब जो नीति आयोग है ये योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर बल देता है भाई, किस पे देता है, ये क्षेत्रीयता और स्थानीयता पर भी बल देता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ विशेष पॉइंट्स करते हैं इससे संबंधित, जैसे कि भारत की मौद्रिक नीति जो है ना कैसे काम करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो यहाँ पे ये अंतर हो गए हैं, ये नीति आयोग की विशेषता हो गई है। अब हम मौद्रिक नीति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्फ्लेशन भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, महंगाई होती है, क्या होती है, महंगाई, और महंगाई क्या होती है भाई, ये महंगाई होती है कि किसी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और कीमत भी, मतलब दोनों ही एक साथ बढ़ती है भाई, क्या, मांग भी बढ़ती है और महंगाई भी, दोनों ही चीज़ें, मतलब महंगाई होने के बावजूद भी उस चीज़ की मांग कम नहीं हो पाती। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दवाई होती है, ठीक है, तो दवाई मतलब यदि उसकी ज़रूरत है, चाहे महंगाई बढ़ी हो चाहे घटी हो, तो वो लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। डिफ्लेशन भाई, डिफ्लेशन में क्या होता है, मंदी, मंदी के दौरान क्या होता है, जनता पर पैसा भी नहीं होता भाई, ठीक है, जनता पर पैसा भी कम होता है और जो वस्तु होती है ना उसकी डिमांड भी कम होती है। जैसे कोई भी लग्जरी वस्तु मतलब है उससे संबंधित ये चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है। इसके बाद जो फ्रेंड्स बैंक रेट पूछ ली जाती है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट है आरबीआई है ना, लंबे समय तक बैंकों को क्या देता है भाई, ऋण देता है, लोन देता है, ठीक है, और वो अलग अलग बैंक को अलग अलग रेट पर दे सकता है, क्या, अलग अलग बैंक को अलग अलग रेट पर दे सकता है। इसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है भाई, आरबीआई है ना जो ऋण देता है ना बैंकों को अलग अलग रेट पर लंबे समय के लिए दिया जाता है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, और यदि वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है ना कम समय के लिए तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है भाई, कम समय के लिए बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं भाई, ठीक है, और ऋण लेते हैं भाई, ठीक है, क्या, इनके पास जैसे जो पैसा होता है वो मतलब किसके, बैंक के पास गिरवी रखते हैं और ऋण लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद सीआरआर, सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिवर्स रेशियो, कैश रिवर्स रेशियो। इसके अंदर क्या होता है भाई, कोई बैंक निश्चित पूंजी, कोई बैंक अपनी निश्चित पूंजी आरबीआई में जो रखता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिवर्स रेशियो बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद एसएलआर, एसएलआर क्या होता है भाई, ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बैंक डेली जो इनकम हो रही है या जो जमा राशि आ रही है ना उसका 20% अपने पास रखता है, बाकी आरबीआई के पास भेज देता है, ठीक है, और वो 20% क्यों रखता है, मान के चलिए अगले दिन मॉर्निंग में कोई पैसे लेने के लिए आ जाता है कस्टमर, ठीक है, और बैंक के अंदर पैसे नहीं है तो उस केस में मतलब इनको क्या है, यूज करना होता है भाई वो पैसा, तो इसको हम एसएलआर बोलते हैं भाई। इसके बाद एमएसएफ, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग ये फैसिलिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक है ना मतलब जैसे भाई उसमें कोई है ना 5 करोड़ का लोन लेने के लिए आ गया एकदम से, बैंक के पास मान लीजिए पैसा नहीं है तो अर्जेंट ऋण लेता है, कौन, बैंक, किससे लेता है भाई, आरबीआई से लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, और जो इसके पास एलएसएलआर होती है ना यानी रोज की इनकम, उसका कुछ परसेंट हिस्सा क्या कर देता है, बैंक गिरवी रख देता है भाई, क्या रख देता है, गिरवी रख देता है, जैसे जैसे उस लोन के पैसे की मतलब क्या होती है, रिकवरी होती है, ये एसएलआर की मात्रा भी मतलब घटाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद होता है ओएमओ, ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई है ना
खुले बाजारों में क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को या तो खरीदता है या बेचता है, जिससे लोगों का क्या होता है विश्वास बढ़ता है और लोग मतलब क्या करते हैं उन चीज़ों को मतलब खरीदना बेचना स्टार्ट कर देते हैं ताकि मतलब लोगों का विश्वास बढ़े। इसलिए मतलब क्या करता है वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए OMO का प्रयोग किया जाता है भाई। इसके बाद RBI द्वारा जो कंट्रोल है वो किस प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से। जब महंगाई होती है ना तो RBI क्या करता है, जो रेट होती है ना, रेट जो लगती है वो मतलब क्या कर देता, बढ़ा देता है भाई। रेट यानी कि जैसे मान लीजिए कितने परसेंट पे ले रहे हैं, उस रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और बाजार में मतलब इससे क्या होती है, जो वस्तु होती है उसकी तरलता कम हो जाती है। और डिफ्लेशन में क्या होता है, जब मंदी आती है तो उस समय ये रेट क्या कर देता है, बैंक घटा देता है भाई, रेट क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे बाजार में क्या होती है, तरलता अधिक होगी भाई। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, रेट घटाने से बाजार में जो अपनी मतलब तरलता वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नीति आयोग जो हमारा टॉपिक था ना वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके अंदर से कम व्यू मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बनते ही बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज आज कंप्लीट होती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।